मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के मां बराही धाम देव धूरा में आयोजित 5 दिवसीय विश्व कल्याण महायज्ञ में शिरकत की, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने बराही धाम की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया, साथ ही हीरा बल्लभ जोशी की ओर से लिखित पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए चंपावत में कहा कि उनकी सरकार लगातार महिलाओं के हित के लिए कार्य कर रही है। सरकार ने प्रदेश में हुए अतिक्रमण पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक 2200 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जों से मुक्त करा दिया है। प्रदेश में किसानों के लिए अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 18,000 से ज्यादा पॉली हाउस लगाए जाएंगे। प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए होम स्टे योजना पर कार्य हो रहा है। पूरे उत्तराखंड वासियों के लिए, देशवासियों के लिए श्रद्धा का और आस्था का स्थान रहा है। ये स्थान हमारा मानसखंड कॉरिडोर योजना में सम्मिलित हो चुका है और आने वाले समय में इस स्थान का पूरा सौंदर्यीकरण किया जाएगा, विस्तारीकरण किया जाएगा, आने वाले सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा और मानसखंड मंत्रिमाला मिशन के अंतर्गत पूरे कुमाऊं क्षेत्र में सभी मंत्रियों को एकीकृत करते हुए उनको एक माला मिशन के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।